सो आज है डे 5 ऑफ आर फुल वीक ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर कट, और आज हम परफॉर्म करने वाले हैं एक पुश वर्कआउट. एंड अनलाइक लास्ट टाइम, आज हमारा फोकस होगा ऑन वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी. एंड जो वार्म अप अपन परफॉर्म करेंगे वो एक सर्किट होगा जिसमें इन टोटल 4 एक्सरसाइजेस होंगी, जिसमें से द फर्स्ट एक्सरसाइज इज फ्रंट आर्म रोटेशंस. और फ्रंट आर्म रोटेशन करने का पर्पस है हमारे चेस्ट को एंड शोल्डर को एक डायनेमिक स्ट्रेच देना. एंड इसके बाद द सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द सर्किट इज पुशअप्स. और जो पुशअप्स के लिए जो रेप्स लिए मैंने वो 20 लिए, तुम अपने अकॉर्डिंग ले लेना. अगर तुम नए हो जिम में तो मे बी 10, एंड 20 से ऊपर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, 20 इज द लिमिट. नाउ द थर्ड एक्सरसाइज इज ऑल्सो फॉर अ डायनेमिक स्ट्रेच विच इज़ अ रियर आर्म रोटेशन. रियर आर्म रोटेशन भी फ्रंट आर्म रोटेशन की तरह ही है, बस हमें डायरेक्शन बदल देना है आर्म रोटेशन का. नाउ द फोर्थ एक्सरसाइज फॉर वार्म अप इज फ्रंट रेजेस, जिसमें हम लेंगे एक बहुत लाइट वेट, मैंने लिया है 2.5 किलो का वेट. इस एक्सरसाइज के मैं 15 रेप लेता. और एक चीज़ याद रखनी है कि हमें सारे टाइम अंडर हैंड ग्रिप लेनी है, अंडर हैंड ग्रिप लेनी है, ओवर हैंड ग्रिप नहीं लेनी है. अंडर हैंड इसलिए ताकि जब हम डंबल्स ऊपर लाएं तो अच्छा स्क्वीज मिले हमारे चेस्ट को भी. सो नाउ द वार्म अप इज डन, एंड अब बात करते हैं मेन वर्कआउट की. सो एज ये एक हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग सेशन है, तो इस वर्कआउट में होंगे इन टोटल 4 सुपरसेट्स. आज के फर्स्ट सुपरसेट में अपन परफॉर्म करेंगे फ्लैट बेंच प्रेस और उसको पेयर करेंगे विद सीटेड डंबल प्रेस. और हर एक्सरसाइज में इन टोटल 20 रेप्स निकालने हैं. लाइक हमने 20 रेप्स निकाले बेंच प्रेस पे और उसके इमीडिएट बाद बिना रेस्ट लिए हमें डंबल प्रेसेस पे जाना है और उस पर 20 रेपिटेशंस निकालने हैं. एंड ऐसे हमें इन टोटल 4 सुपर सेट्स लेने हैं. प्लस एक और चीज़, थ्रू आउट द एक्सरसाइज चारों सेट्स के टाइम पे वेट सेम रखना है, वेट इंक्रीज नहीं करना है, बट नंबर ऑफ रेपिटेशन है वो 20 की निकालने हैं हर सेट में, इन टोटल 40 रेप्स. सेकेंड सुपर सेट में हम परफॉर्म करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेसेस और उसको पेयर करेंगे विद लेटरल रेजेस. सिमिलरली फर्स्ट सुपर सेट की तरह ही इन टोटल 4 सुपर सेट लेने हैं, जिसमें 20 रेपिटेशन निकालने हर एक्सरसाइज में. और फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी होते ही 20 रेप्स होते ही ऑन इंक्लाइन डंबल प्रेसेस इमीडिएटली हमें जाना है लेटरल रेज पे विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट. और अगर हम साइड रेजेस करेंगे एक इंक्लाइन बेंच पे अपना चेस्ट रेस्ट करके, तो हमारा फ्रंट डेल्ट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो खत्म हो जाएगा. अगर तुम बिना बेंच के करोगे तो क्या होगा, जब नेचुरली तुम्हारी बॉडी थक जाएगी ना तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब तुम्हारा चेस्ट ऊपर हो गया और तुम्हारा साइड की जगह फ्रंट डेल्ट काम करने लग गया. इसलिए मैं हमेशा साइड रेजेस लगाता हूँ इंक्लाइन बेंच पे अपना चेस्ट लगा के. तो अभी तक हमने क्या करा, जो 2 सुपर सेट्स हमने करे उसमें एक शोल्डर और एक चेस्ट की एक्सरसाइज पेयर कर दी. पर अब क्या करेंगे, एज हमें इन टोटल 4 सुपर सेट्स लेने हैं और ओवर ट्रेन नहीं करना, तो थर्ड सुपर सेट में परफॉर्म करेंगे एक चेस्ट की एक्सरसाइज और उसको पेयर करेंगे एक ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज से. एज हमने अभी तक कोई आइसोलेशन मूवमेंट नहीं कराया चेस्ट के लिए, तो वैसे भी वैसे आइसोलेशन नहीं हो रहा था क्योंकि हम इतने ज़्यादा रेप्स निकाल रहे थे अभी तक. पर थर्ड सुपर सेट में हम परफॉर्म करेंगे सीटेड फ्लाइज ऑन अ पेक डेक मशीन एंड उसको पेयर करेंगे विद ट्राइसेप किक बैक्स. नाउ सेम 20 रेपिटेशंस निकालेंगे हम फ्लाइज पे और उसके इमीडिएट बाद में ना रेस्ट लिए हम जाएंगे किक बैक्स पे और उसके भी सेम 20 रेप्स. एक हैक और जो हम किक बैक परफॉर्म करेंगे वो हम परफॉर्म करेंगे इंक्लाइन बेंच पे, उसको 45 डिग्री एंगल पे रख के. इससे क्या होगा कि जो हमारा चीट का कोई भी चांस है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो टॉर्सो है वो पूरी तरह से रेस्ट पे होगा और हम चीट कर ही नहीं पाएंगे चाह के भी. बस हमें ध्यान रखना है कि हमारा एल्बो जो है वो सारे टाइम लॉक रहे. प्लस सारे सुपर सेट्स की तरह भी वेट हमें सिमिलर लेना है चारों सुपर सेट्स में. नाउ द लास्ट एंड द फाइनल सुपर सेट, जिसमें हम परफॉर्म करेंगे एक एक्सरसाइज फॉर द शोल्डर्स एंड एक फॉर द ट्राइसेप्स. तो शोल्डर्स के लिए मैंने चूज़ करी है आर्नोल्ड प्रेस, क्योंकि ये एक्सरसाइज एज अ फिनिशर काम करेगी, एज इस एक्सरसाइज में रियर डेल्ट छोड़ के सारे हेड्स यूज होते हैं हमारे शोल्डर के. एंड इस एक्सरसाइज को पेयर किया मैंने एक ट्राइसेप मूवमेंट से जो कि है केबल पुशडाउन. प्लस एक चीज़ बतानी है मुझे, आर्नोल्ड प्रेस में लोग क्या गलती करते हैं, लोग पहले डंबल नीचे ले आते हैं फिर उनको अपने फेस के आगे लाते हैं, जबकि वो गलत है. पर हमें करना क्या है, हमें रेप परफॉर्म करते हुए ही डंबल ऊपर ले जाते हुए और नीचे ले जाते हुए ही अपनी रिस्ट को रोटेट करना है, ना कि ऊपर ले जाने से पहले और नीचे ले जाने के बाद, जो कि एक गलत तरीका है. और पुश डाउन्स में कुछ बताने के लिए है नहीं, बस एक चीज़ पे ध्यान रखना कि हमारी एल्बो सारे टाइम फिक्स रहेंगी. सो फोर्थ सुपर सेट के साथ हमारा वर्कआउट होता है ख़त्म. एंड सॉरी फॉर द डिले, मैं किसी काम में बिजी हो गया था.
और अब जो नेक्स्ट और लास्ट सेशन है वो बहुत जल्दी आएगा, मे बी डे आफ्टर टुमारो, एंड 10K भी होने वाला है. कैसे करूँगा, 10K भी होने वाला है. और इसके बाद, इन दो सेशंस के बाद हमारी आएगी द फुल डे ऑफ ईटिंग ऑन अ कट. बाय द वे कट अच्छा चल रहा है, तूने फोटो देखी ही होगी. मैं फुल डे के ओके मैं चाह नहीं रहा कोई स्पॉइलर देना या कोई मिड अपडेट देना. सो मैं कट ख़त्म करने के बाद ही अपना रिजल्ट दिखाऊंगा. मुझे तो पता लग रहा है क्योंकि मेरी बॉडी है, मुझे पता लग रहा है कि क्या चेंज आ रहा है. बट तुम देखोगे ना, तुम्हें इतना नोटिसेबल डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि अभी 15 दिन हुए हैं और 15 दिन अभी बचे हुए हैं. और तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना. वही पुरानी घिसी पिटी लाइन है तब भी बोली. नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. एंड आई सी यू वेरी 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 सून. अटक गया था वेरी लास्ट वीडियो में, जो कि होगी ऑन अ लेग डे. प्लस एक चीज़ और, अभी मैंने कोई वर्कआउट परफॉर्म नहीं किया, मैंने बस डेमो देने के लिए एक्सरसाइजेस करी. नहीं तो क्या होता है कि मेरा वर्कआउट सफ़र करता है. वैसे भी मेरे पास सिर्फ 15 दिन है और वैसे भी इस वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी ट्रेनिंग में मुझे बिना रेस्ट के परफॉर्म करनी है, इसलिए मैं ट्राईपॉड ही उठाता रखता रह जाता हूँ और सेट नहीं ले पाता ढंग से.